हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरे साथ है मेघना दीदी और जैस्मिन दीदी और हम आज जा रहे हैं घूमने शिमला। हेलो बोल दो। हेलो। तो हम अभी निकले सोलन से, जैस्मिन दी आए थे ना तो काफ़ी दिनों से हमारे पास है, तो हमने सोचा कि आज हम कहीं घूमने चलते हैं। तो अभी हम निकले हैं तो आगे आगे चलते हैं, आपको भी दिखाती हूँ। हम पहुँचे बाईपास, हम यहाँ से लेंगे बस क्योंकि हम जा रहे हैं बाईपास। और अब देखती हूँ यार, ट्रैवल में थोड़ा सा टफ होता है शूट करना, अब मैं देखती हूँ आपको दिखा पाऊंगी ट्रैवल या नहीं। अगर दिखा पाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो शिमला में मिलते हैं फिर। ये है सोलन बाईपास और ये रोड जाता है आपका चंडीगढ़, जो सामने गया ये वाला, और यहाँ से नीचे वाला रास्ता गया, वो देखो वाइट कार जिधर से जा रही है वो जाता है पाटू कुनिहार साइड। तो अभी हम बाईपास खड़े हैं, बस का वेट कर रहे हैं, जैसी बस आती है वैसे हम भी निकल जाएंगे यहाँ से। ये है दो परेशान आत्माएं, बस का वेट किया जा रहा है यहाँ पर। वेलकम दर्शकों, तो आज हम आपको ले जा रहे हैं शिमला की सैर पर वर्षा सूद के साथ, और ये है मेरी बहुत ही खास अजीज मित्र है, जिगरी मित्र, जिगरी दोस्त। जब हम कब गए थे लास्ट से, हाँ लास्ट ईयर गए थे हम, साथ ही तो गए थे, अप्रैल में थी हम, ग्रीष्म महीने फिर उससे पहले नहीं, पिछले साल हम साथ गए थे, उसके बाद अब जा रहे हैं हम लोग साथ, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिमला। शक्ल देखो क्या बन गई यार, 2 घंटे हुई, इतनी स्लो मोशन बस में आए ना हम अभी। हमने पता क्या किया, हमने सोचा कि हम लॉन्ग रूट की बस लेंगे, बट हम काफ़ी टाइम से खड़े थे और बस आई नहीं, तो हम फिर लोकल बस में आ गए। और इतनी स्लो चल रही थी ना वो बस, हमारे को 2 घंटे लगे पहुँचते पहुँचते। ये कहाँ जा रही है? तो अभी हम पहुँच चुके हैं शिमला, अब जाएंगे हम यहाँ से संजौली और वहीं पहुँच के बताऊँगी कि हमारा आगे का क्या प्लान है। बहुत टाइम बाद ये एक्सपीरियंस लिया हमने आज बस में खड़े खड़े। कंडक्टर भैया बता क्या बोल रहे हैं, बाईपास से बोलो, हम बोल रहे हैं बाईपास से, बाईपास से। हम पहुंच चुके हैं संजौली, अब कहाँ जा रहे हैं हम, पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं यार आज ये मेरे को। अभी हम संजौली खड़े हैं और हम कर रहे हैं पंकज जीजू का वेट, क्योंकि वो भी हमारे साथ जाएंगे। मैं आपको शिमला का मौसम दिखाती हूँ, क्योंकि जब हम सोलन से आए थे ना तो बहुत तेज़ और बहुत ही प्यारी धूप लगी थी, और ये देखो शिमला पहुँचते ही क्या से क्या हो गया बादल। नहीं आते
इनकी पुरानी यादें ताजा हो रही है शिमला आकर। संजौली की वादियाँ, विशाल मेगा मार्ट संजौली का। यो, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है यार, जो भी बोलो आप। एक्सिस बैंक संजौली का चले लूटने। और ये है हमारी सवारी। हेलो सवारी फरारी। नॉक नॉक सवारी फरारी। नॉक नॉक। मैंने सही में बोला था कि कहीं हम नमस्कार जीजू जी गुंडों वाली वैन में तो नहीं जाएंगे। वेलकम आओ 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 आओ। बंदी नहीं हो रहा। ऐसा होता है बंद जीजू जान। हमको मिल गया हमारी सवारी। और सवारी के साथ आप क्या हो? हम हैं सबके बाप। हम हैं सबके बाप। गाइड है हमारे। हाँ ये हमारे गाइड है। और हम जा रहे हैं अभी मशोबरा। मशोबरा जा रहे हैं नाल देरा। नाल देरा क्रेगनानो नेचर पार्क। और हम जा रहे हैं अपना उसका नाम क्या है दादा हमारी लोकेशन का? शाली ट्राइब। तो अभी ये हमारे को घुमाने ले जा रहे हैं। पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे शाली ट्राइब। तो ऊपर की तरफ चलते हैं अभी। शायद यहाँ से हमको पैदल जाना पड़ेगा, तो चलते हैं ऊपर देखते हैं कितना पैदल जाना पड़ेगा। ये देखो रास्ता कैसा, इधर ये है लोकल बस। हम जा रहे हैं लोकल बस में। और इधर लॉन्ग रूट की बस भी आती है, मैं दिखाती हूँ आपको। वो देखो लॉन्ग रूट की बस उधर से आ रही है। रूट की बस पहुंचते हुए हाँ, और ये है शाली ट्राइब का एंट्रेंस। और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत झरना भी है, वापसी में हम उसको दिखाएंगे। और शायद हरीश जी ने उसका वीडियो बनाया भी होगा। चलते हैं फिर आगे की तरह। हाँ। अभी तो पैदल जाना है, पता नहीं कितना चलना पड़ेगा हमको। तो कोई आना चाहता है तो आ सकता है, यहाँ पर काफी अच्छी जगह है। और मैं वैसे फर्स्ट टाइम आई हूँ उधर। देखते हैं ऊपर जाके। ये देखो
तो ये वो जगह है, ला 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 ला। मैं सोच रही हूँ ये क्या है, फिर वो हैरी भैया फोटो खींच रहे हैं ना। ये देखो यार कितना सुंदर लग रहा है पेड़ों के बीच में, वाह। रास्ता देखो कितना सुंदर है, बच गया मेरा बैग। Yes. ओ यार इतनी प्यारी जगह है ना, अल्टीमेट। और ये है जैसन दीदी, ये रहा क्या जो वेस्ट मटेरियल है ना। हाँ ये देखो, हाँ जी ये देखो, इधर जो चीजें यूज नहीं होती ना वो कैसे यहाँ पर यूज कर रखी है। देखो लकड़ी के बेंच और कुर्सियां बना के रखी है, हाँ सिटिंग प्लान। ये देखो या। हाँ बॉटल, ये देखो कांच की बॉटल्स है ना जिनका कोई यूज नहीं होता, हम लगाते हैं ईंटें अपने घर पे या फिर लगाएंगे पत्थर। यहाँ पे लगाई है बॉटल्स, ये देखो। मेरे को तो डर लगता है।
भूल गया मैं, ये दूसरा ही है। कुत्ते तो प्यारे ही होते हैं जैसे भी। खाले यार हड्डी इसने आपको बोला कि मजा आ रहा है? कुत्तों का मेरे को बड़ा पुराना तजुर्बा है। क्यों जाना है इसको? जबरदस्ती पकड़ा है, छाती नहीं खुजा रहा है इसकी। देखो जाना भाई, इतने नहीं जाना देगा। अब तो पार्टी बदल दी इसने। चल कपड़े गंदे। अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे और चाय पी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा है, और ऐसे ठंड वाली मौसम में अगर चाय मिल जाए ना, क्या मज़ा आ जाए। और इस चाय में ना खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इसमें शायद लौंग वगैरह मिक्स किया है, और बहुत टेस्टी चाय बनी। ये इधर हट्स बने और ये ठहरने के लिए। और हाँ जी, ऑलमोस्ट हम आपको ये जगह एक्सप्लोर करा ही चुके हैं, और यहाँ की टेस्टी चाय भी हमने अभी पी है। फिलहाल यहाँ पर इतना ही है, और अगर ये ब्लॉगर महोदया आई बीच में कभी, यात्राएं अभी जारी है, अभी नालदेहरा क्रैकडाउन वगैरह जाएंगे, माहौल बनाएंगे। है शाली ट्राइब, और आई होप आपको भी ये जगह पसंद आई होगी। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं ना अब, और ये कुत्ता है जो कि इसने बहुत परेशान कर दिया है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं। शायद ये ब्लॉग मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ा हो गया है, तो अब इससे आगे जो है वो मैं पार्ट टू में डालूंगी। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं तो डर गई, भागी है ये। दो दो कुत्ते प्यारे हैं, पर मेरे को ना डर लगता है। अब इसमें इनकी भी क्या ही गलती और मेरी भी क्या ही गलती। चल तुम्हारी फोटोज में इन कुत्तों के साथ ही खींचती हूँ, ठीक है? बड़े हैं हम, वापस सब जा रहे हैं, वापस वापस। बाय बाय।